नमस्कार दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं हीरे से जुड़े प्रश्न पर अलग अलग वीडियो बनाकर आपको श्रेष्ठ और सरल उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, प्रश्न था कि हीरा क्या है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हीरा क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो को बीच में ना छोड़े, अंत तक ज़रूर देखें, ताकि मैं आज हीरे के बारे में जो जानकारी देने वाला हूँ शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करें। प्रश्न था कि हीरा क्या है। तो हीरा अपने चमक और दमक से अनंत काल से वो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। चाहे वो राजा हो रंक, हीरा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है और नौ रत्नों में उसकी गणना होती है। दोस्तों, हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का ही एक शुद्ध स्वरूप है। पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन वो अशुद्ध है। दोस्तों, केवल एक ही अणु का अंतर होता है ग्रेफाइट की परमाणु रचना में और हीरे की परमाणु रचना में। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ छह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट को पृथ्वी की सतह से नहीं हटाया जाता है और उसे कुछ वर्षों के लिए पृथ्वी की सतह की गर्मी से अवशोषित किया जा सकता है। तो ग्रेफाइट एक हीरे का स्वरूप बना लेता है, इसलिए ग्रेफाइट भी हीरे का कच्चा स्वरूप है। लेकिन दोस्तों, हीरा हजारों डिग्री पर पृथ्वी की सतह में उत्सर्जित कार्बन का एक उत्कृष्ट रूप है। हीरे को यदि ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, बिल्कुल राख ही नहीं बचती है। हीरा में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होते हैं, इसलिए हीरा बहुत कठोर होता है। दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है तो वो हीरा है। हीरा को केवल हीरा ही काट सकता है। हीरा की कठिनता का आंक है 10 पॉइंट। इसकी कठिनता के कारण इसका प्रयोग कई उद्योग तथा आभूषणों में किया जाता है। हीरे केवल सफ़ेद नहीं होते हैं, औषधियों के कारण इसका शेड अलग अलग होता है, जैसे कि नीला, लाल, पीला, हरा, संतरा और काला भी होता है। हीरा दुर्लभ है। हीरा तापमान और दबाव को हजारों डिग्री पर सहन कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में दूसरा कोई पत्थर टूट जाता है, लेकिन हीरा नहीं टूटता, इसलिए वो हीरा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा ये वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हीरे से जुड़े प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिलूँगा नई वीडियो में नई माहिती के साथ। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।